हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इंग्लिश वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन का केस यहाँ पर हमने डिस्कस करना है, और आप लाइटली मत लीजिए इन चीजों को जो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन प्रेपोजिशन ये क्यों हम अपलोड कर रहे हैं। तो इसका हम बता देते हैं आपको, क्लॉज टेस्ट के आते हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन। तो 7 से 8 क्वेश्चन जो क्लॉज टेस्ट के हैं उनमें आता क्या है, उनमें ग्रामर ही पूछा होता है, ग्रामर के ही कुछ रूल्स लगते हैं। तो अभी हमने कोशिश ये रखी है कि जल्दी से जल्दी हम पहले ग्रामर कंप्लीट करें, ताकि क्लॉज टेस्ट जब भी हम अपलोड करें तो आपको आसानी से समझ आ जाए वो। तो अब हम कुछ ग्रामर के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर स्किप कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम नजदीक आ रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारे प्रेपोजिशन एंड मॉडल्स हैं वो हम जरूर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इनको कवर करेंगे, फिर आपका क्लॉज टेस्ट यानी कि इंग्लिश जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इन चीजों को आप लाइटली मत लीजिए, जो भी हम अपलोड कर रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और हम सोच समझकर ही यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जहां से हमारे मार्क्स जो हैं वो कभी नहीं छूट सकते हैं। अब जैसे अगर हम वोकैब की बात करें, हो सकता है कि कुछ वर्डिंग जो है वो बाहर से आ गई है, तो उन कंडीशंस में हमें ये रहता है कि शायद हो ना हो, हमने याद किया है, पढ़ा है या नहीं किया। लेकिन ग्रामर ऐसा है कि अगर आपने रूल्स कर लिए हैं, फिर जो आपके क्लॉज टेस्ट है उसके 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके फिक्स है कि होंगे ही होंगे। तो 25 नंबर बनते हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चंस में, इसीलिए हम इन पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले प्रेपोजिशन होता क्या है, वर्ड्स यूज्ड विद द नाउन प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशंस। जहां पर हम वर्ड्स यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन को शो करने के लिए उनका। अब यहां पर हम वीडियोस को थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी फास्ट कर रहे हैं। तो जस्ट आपने पॉइंट्स को कैच करना है कि बोलने का मतलब क्या है, कहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी इनको कवर करना चाहते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल है हमारा प्रेपोजिशन में इन एंड एट का। तो इन एंड एट का कंपैरिजन होता है जब प्लेस की बारी होती है। तो इन का यूज होगा जहां पर बड़े प्लेसेस होंगे, बिगर प्लेस होंगे, एंड एट का यूज होगा जहां पर हमारे पास छोटे प्लेसेस होंगे। ठीक है, जहां पर हमारे पास बड़े प्लेसेस हैं यानी कि कोई टाउन है, सिटी है, कंट्री है, तो हमने इन का यूज करना है, और छोटे प्लेसेस हैं, विलेज वगैरह है, तो वहां पर हमने एट का यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई लाइव एट शास्त्री नगर इन मेरठ। तो शास्त्री नगर एक छोटा सा विलेज है, तो एट आएगा, एंड मेरठ जो है वो सिटी है, तो इन आएगा। तो इस तरह से आपने याद रखना है, एग्जाम्पल्स आपके पास काफी मिल जाते हैं। सेकंड है इन एंड इनटू। तो इन का यूज होता है जब हम रेस्ट की बात करते हैं, एंड इनटू का यूज होता है जब हम मोशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो है ये पोजीशन के अकॉर्डिंग इन एंड इनटू हम पुट कर रहे हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इनका केस तो हमने पहले भी किया, पहले इन एंड एट हमने कंपेयर किया प्लेसेस के लिए, अब हम कंपेयर कर रहे हैं जो हमारी पोजीशन होती है कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो इन एंड इनटू में अगर हम देखें, इनका यूज कहां पर होगा, इन इज यूज्ड विद थिंग्स एट रेस्ट, वाइल इंटू इज यूज विद थिंग्स इन मोशन। तो अगर हम केस लेते हैं, ही इज शॉपिंग इन द मार्केट, तो मार्केट में अगर वो शॉपिंग कर रहा है तो कहीं रेस्ट में ही कर रहा होगा, चलते चलते जो है शॉपिंग नहीं होती है, तो वो रेस्ट में होगा कहीं पर। एंड ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो जंप कर रहा है वो वेल में। तो जब भी वो जंप कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सीधी सीधी बात है कि जंप करेगा तो मोशन में होगा वो, तो हमने इनटू लगाना है। ही इज फॉलिंग इन लव, तो लव में लव कोई इस तरह से नहीं है कि वो मोशन में चल रहा है, वो एक जगह पर बैठकर भी लव की फीलिंग हो सकती है, तो वहां पर क्या आएगा, इन का यूज होगा। ही इज इन द ऑफिस, तो वो ऑफिस में है तो वहां भी इन आएगा। एंड सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ही इज इन द लाइब्रेरी, तो उसका मतलब है कि वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ही इज इन टू द लाइब्रेरी, तो उसका मतलब है कि वो लाइब्रेरी में चल रहा है, बैठा नहीं है, किसी एक जगह पर नहीं बैठा है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है, ही इज इन द लाइब्रेरी, एक ये बनता है। अगर ये आ रहा है कि ही इज कमिंग डैश द लाइब्रेरी, तो कमिंग इन द लाइब्रेरी नहीं आएगा, कमिंग है बिकॉज मोशन में है, तो क्या आएगा, कमिंग इन टू द लाइब्रेरी। तो बस यहां से आपने क्लियर कर लेना है इस चीज को। कुछ आप एग्जाम्पल्स, आपके पास पीडीएफ दी हुई है तो आप उनको डाउनलोड कीजिए, एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ते रहिए। थर्ड हमारे पास है जो हम ऑन का यूज करते हैं, ऑन डिनोट्स पोजीशन, अपॉन डिनोट्स मूवमेंट। यानी कि ऑन का यूज करेंगे हम जब कोई पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है, और अपॉन का यूज करते हैं जब मूवमेंट होता है। द कैट इज ऑन द टेबल, तो कैट जो है अगर ऑन द टेबल है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो इस तरह के केसेस होते हैं जब वो रेस्ट में है। ठीक है, एंड अपॉन कब आएगा, द कैट जंप्ड अपॉन द माउस। ठीक है, तो कैट ने जंप कर दिया माउस के ऊपर को, तो वहां पर क्या आएगा, तब उस केस में हम लेंगे अपॉन, बिकॉज मूवमेंट को शो कर रहा है। फिर है विद, तो विद डिनोट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने, एंड बाय डिनोट करना है एजेंट के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि आपको याद ही रखना है ये। विद का डिनोट होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, बाय का यूज होता है एजेंट के साथ। इसका मतलब क्या है
कि जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वहां पर हमने विद का यूज करना होता है, और जहां पर हम बात कर रहे हैं उस काम को करने वाले की यानी कि एजेंट या डूअर जो काम कर रहा है उसके साथ हमने बाय का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके पास, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम विद हिज पेन. तो रिटन बाय हिम, हिम क्या है, डूअर है, और विद क्या है, हिज पेन क्या है, पेन क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट होता है. तो पेन के साथ विद लगाया और हिम के साथ बाय लगाया. द म्यूजिक वॉज जनरेटेड विद अ गिटार, ठीक है. द मर्डर वॉज कमिटेड बाय हिम विद अ पिस्टल. तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये केस. एंड नेक्स्ट है हमारे पास अगो. तो अगो का यूज होता है रेफर टू पास्ट टाइम वाइल बिफोर डिनोट्स प्रीसीडेंस बिटवीन टू इवेंट्स. देखिए अगो का यूज कब करते हैं, लॉन्ग अगो यानी कि बहुत टाइम पहले. देयर वॉज अ किंग नेम्ड रामा. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पास्ट टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं, लेकिन बिफोर किसको डिनोट करता है, राम एग्जिस्टेड बिफोर महाभारता वॉज फॉट. तो बिफोर तब आता है जब हमारे पास कोई टू टाइम इंटरवल होते हैं पास्ट में, ठीक है, होंगे वो भी पास्ट में लेकिन टू टाइम इंटरवल होंगे. तो राम कब थे, जब महाभारता जो है फाउट हुई थी उससे भी पहले थे. तो ये आपने क्लियर करना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अबव एंड बिलो का बिल्कुल सिंपल सा केस है. अबव का मतलब ऊपर एंड बिलो का मतलब नीचे से. तो उस फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी लाइव बिलो द रूफ बिकॉज हम रूफ के नीचे रहते हैं, तो बिलो आएगा. स्काई इज अबव अस, स्काई हमसे ऊपर है, तो यहां पर अबव आएगा. तो ये आपने देख लेने कुछ एग्जाम्पल्स. एंड उसके बाद है अंडर. अंडर इज यूज बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट अ पर्सन और थिंग इज बींग अफेक्टेड बाई समथिंग और इज गोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर प्रोसेस. तो अंडर कब आता है, जब कोई थिंग जो है वो उससे इफेक्टेड हो रही है. आई एम रेयरली अंडर एंड माई को वर्कर आर ऑलवेज नाइस टू मी, ठीक है. तो मैं जो हूं, मैं रेयरली ही अंडर हूं किसी के. अंडर कैन मीन जूनियर इन रैंक्स. अंडर का मतलब जूनियर इन रैंक भी होता है, तो ये भी आपने याद रखना है. और अंडर का मतलब होता है जहां पर कोई किसी से इफेक्टेड भी होता है. फिर है ही इज अंडर मी, ये आपका रैंक से रिलेटेड हो गया. उसके बाद आपने जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो नेक्स्ट केस देखते हैं. प्रेपोजिशन जो है, अब हम थोड़े फास्ट ही इनको डिस्कस करेंगे जो भी हमारे पास केसेस हैं, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस जो है वो कवर हो जाए. अब नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि ऑन टाइम, इन टाइम एंड गुड टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है. ऑन टाइम सिग्निफाइज एब्सोल्युटली राइट टाइम, यानी कि ऑन टाइम का मतलब है पूरे करेक्ट टाइम, जो टाइम हमने दिया था उस टाइम पर कोई पहुंच गया, ठीक है. उसके बाद है राइट टाइम. उसके बाद नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर, यानी कि ऑन टाइम अगर हम लिख रहे हैं उसका मतलब है पूरे पूरे टाइम पर आएगा. द फ्लाइट इज ऑन टाइम, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर है फ्लाइट जो है हमारी है, ठीक है. उसके बाद इन टाइम का क्या मतलब है, इन टाइम मीन्स यू आर नॉट लेट फॉर इट, यानी कि इन टाइम का मतलब है आप समय से पहले पहुंच रहे हो कहीं पर. आई अराइव्ड जस्ट इन टाइम फॉर माई फ्लाइट, यानी कि मैं पहले पहुंच गया, ठीक है. लेकिन कितना पहले, ज्यादा पहले भी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पहले. इनका मतलब समझाने का, ये डायरेक्टली एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में तो ये सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कई बार आ जाता है कि द फ्लाइट इज डैश टाइम ऑन टाइम, ठीक है. अब इनका डिफरेंस हम क्यों समझ रहे हैं, ऑन टाइम का मतलब है पूरे पूरे टाइम पर, और फिर उसके बाद है इन टाइम यानी कि टाइम से थोड़ा सा पहले, दो चार मिनट का फर्क हो सकता है. एंड नेक्स्ट है गुड टाइम. तो गुड टाइम का मतलब है कि फ्लाइट जानी है 10 बजे, हम वहां पर 8 बजे बैठ गए जाकर, तो वो गुड टाइम है, काफी अच्छे समय पहले ही हम वहां पर पहुंच गए थे, ठीक है. तो उसके बाद है डिफरेंस जो है एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड. तो बिगिनिंग का मतलब है कि जब हम स्टार्टिंग में किसी को रेफर कर रहे हैं, एंड एंड का मतलब है तो जहां पर हम एंड के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके ये तो बिल्कुल सिंपल सा केस है. फिर नेक्स्ट आपने याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हम ज्यादा मोटिवेट करेंगे यहां पर कि ये चीज आपने जरूर पढ़ लेनी है. मतलब क्या है बोलने का, नो प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं. हमें लगता है कि इनके साथ प्रेपोजिशन यूज होगी, हम लगा भी देते हैं कोई प्रेपोजिशन अपने हिसाब से फिट करके, लेकिन वो वहां पर नहीं लगनी होती है. तो किस तरह के हैं वर्ड्स देख लेंगे. सबसे पहले है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अटैक, रिजेंबल, एम्फेसिस, अकंपनी, डिस्कस, इन्वेस्टिगेट, कंपराइज, एंटर, फ्री, ज्वाइन, अफेक्ट, बोर्ड. तो इस तरह के जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे अवर फोर्सेस अटैक्ड,
यहाँ पर आपके पास जो दिया है उसमें आपको ऑन लगाया है बीच में और उसको कट किया है. बोलने का मतलब क्या है कि आपको बेस्ट लगता है कि इसमें ऑन आएगा लेकिन ऑन नहीं आएगा. अटैक के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है. अटैक का मतलब ही ये है, ऑन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर, लेकिन जब हमने कह ही दिया कि अटैक हो रहा है तो किसी के ऊपर ही किया होगा अटैक, तो फिर हम वहां पर ऑन नहीं लगाएंगे. तो आवर फोर्सेज अटैक्ड द एनिमी फोर्ट, वी रीच्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम. तो रीच का मतलब, एट का मतलब क्या है कि किस प्लेस पर पहुंचे, किसी प्लेस पर पहुंचने के लिए, क्योंकि प्लेसेस के साथ एट लगता है. अब जब हमने रीच्ड ही कह दिया तो पहुंच गए हैं, और पहुंचे ही होंगे तो किसी प्लेस पर ही पहुंचे होंगे, तो ये सिंपल सी बातें हैं. फिर ऑर्डर, तो ऑर्डर किया होता है तो किसी चीज के लिए किया होता है. तो ये जो है बिल्कुल सिंपल सी माइंड में ही रखने वाली बातें होती हैं जो हमें क्लियर हो जाती हैं. द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो हम यहां पर इनटू लगा देते हैं कि शायद इनटू आएगा, तो इन्वेस्टिगेटिंग के साथ भी कुछ नहीं आता है. इन्वेस्टिगेटिंग द केस डायरेक्टली. ही एंटर्स द रूम, अगर लिख रहे हैं ही कम तब आएगा ही कम इनटू द रूम, लेकिन अगर लिख रहे हैं ही एंटर तो ही एंटर्स द रूम. ठीक है, तो ये आपने सिंपली याद रखना है. उसके बाद ये हमारे पास कुछ एडवाइस, टेल, आस्क, बैग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, इनके साथ भी हम ओमिशन ही करते हैं प्रेपोजिशन की, नहीं यूज करेंगे कोई भी प्रेपोजिशन. ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है. उसके बाद आपने जो याद रखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो वही हम यहां पर डिस्कस करेंगे. ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हमने बात नहीं करनी है फिलहाल. अगर हमें लगा कि डिटेल में होना चाहिए तो हम फिर कभी यहां पर जरूर अपलोड करेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस करेंगे. सिंस एंड फ्रॉम जो है मैंने आपको जब टेंस करवाए थे तो उसमें काफी अच्छे से क्लियर किया था कि सिंस यूज होता है जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एंड फोर यूज होता है जहां पर पीरियड ऑफ टाइम होता है. तो अगर आपने टेंसेज की वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखिए, बिकॉज वहां से भी आपको काफी क्वेश्चंस जो है टेंसेज के बनते हैं. तो टेंस जरूर कीजिए. हमने थ्री पार्ट्स में टेंस किए थे तो उनका कुछ मतलब होगा थ्री पार्ट्स बनाने का, तो एक बार उसको जरूर देखिए. एंड उसके बाद है अक्रॉस एंड थ्रू. तो अक्रॉस एंड थ्रू का मतलब क्या है, वॉक अक्रॉस अ रोड एंड पास थ्रू अ टनल. देखिए इसका मतलब क्या है, अक्रॉस का मतलब है बाय द साइड, यानी कि साथ साथ में पास करना, एंड थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के बीच में से. ठीक है, तो एक ही सेंटेंस में ये क्लियर हो जाना चाहिए. वॉक अक्रॉस द रोड एंड पास थ्रू अ टनल. ठीक है, किसी के ऊपर से चलना है हमने तो अक्रॉस कहेंगे, एंड बीच में से निकलना है तो थ्रू कहेंगे. ठीक है, बिटवीन एंड अमंग, तो ये भी बिल्कुल सिंपल किससे केस है. बिटवीन इज यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू द टू पर्संस. ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है और कई बार हम गलतियां कर देते हैं, क्योंकि काफी बार नॉर्मल जब हम टॉकिंग करते हैं इंग्लिश में तो हम बिटवीन का ही यूज कर देते हैं. जैसे हमने कोई चीज बांटनी है, क्योंकि ये बिटवीन एंड अमंग का यूज होता है जब हमने किसी चीज को बांटना होता है कुछ पर्संस में. तो अगर तो हम दो लोगों के बीच में बांट रहे हैं तो हमने बिटवीन का यूज करना है, या कंपेरिजन हो रही है दो लोगों की तो हमने बिटवीन का यूज करना है. एंड अगर हमने बात करनी है दो से ज्यादा की तो हमने अमंग का यूज करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द टू ऑफ यू हु इज स्ट्रॉन्गर एंड द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 फ्रेंड्स. ठीक है, फिर है बिसाइड एंड बिसाइड्स. थोड़ा प्रिंट यहां पर क्लियर नहीं है लेकिन इसको क्लियर कर लेंगे. बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, यानी कि साइड में थोड़ा इस तरफ है कोई उस तरफ है, उस तरह का हम बिसाइड यूज करते हैं. एंड बिसाइड्स का मतलब एस लग गया तो उसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी कि हालांकि बोलते हैं जिसको हम हिंदी में. तो बिसाइड्स ही वॉज वेरी हॉनेस्ट, बिसाइड्स ही इज वेरी हॉनेस्ट, या फिर ही इज वेरी पुअर, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं बिसाइड्स का. बिसाइड्स ही इज वेरी पुअर ऑल्दो ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो हालांकि बहुत ज्यादा गरीब है लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है. यू आर सिटिंग बिसाइड हिम, तुम उसके बिल्कुल साथ बैठे हो तो वहां पर बिसाइड आएगा. तो ये आपने क्लियर रखने हैं. उसके बाद आपने, तो ये हमारे प्रेपोजिशंस हैं. उसके बाद जो सीधे सीधे डायरेक्ट हैं कि जैसे फायर के साथ एट का यूज होता है, ठीक है, और फायर के साथ ऑन का भी यूज होता है. फायर एट कब होगा, जब हम किसी को किल नहीं कर रहे हैं, कोई किल नहीं हो रहा है उससे. एंड फायर ऑन हो रहा है जब कोई उससे किसी को इफेक्ट भी हो रहा है उस फायर का. ठीक है, की ऑफ यूज होता है जब वो डूर के लिए यूज होती है. की टू होता है यूज जब प्रॉब्लम हमने शो करनी है. ठीक है, उसी तरह से डील इन का मतलब है बिजनेस, एंड उसी तरह से डील विद का मतलब है समवन. तो डील विद यानी कि किसी के साथ डील कर रहे हैं, एंड डील ऑफ का डील
इनका मतलब है जब बिजनेस में कर रहे हैं हम डील, ठीक है। डाई ऑफ यानी कि डाई ऑफ का मतलब है कि किसी बीमारी की वजह से डाई हुए, एंड डाई फ्रॉम का मतलब है एनी अदर रीजन, कोई भी अदर रीजन हो सकता है। फिर है बाय इन, बाय इन का मतलब होता है कोई मार्केट से लिया है हमने, एंड बाय एट का मतलब है शॉप। तो ये इन एंड एट का मतलब है कि बिगर एंड स्मॉलर, तो मार्केट बिगर है शॉप स्मॉलर है। कम बाय का मतलब है किसी व्हीकल से आए होंगे, एंड कम ऑन का मतलब है कि फुट पर आए हैं, ठीक है। कम इनटू का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं आ रहे हैं अंदर कुछ भी है, किसी तरफ चल रहे हैं। तो ये कुछ है। इसके बाद आपके पास जो पीडीएफ फाइल दी थी उनमें आपके पास काफी ज्यादा वर्ड्स हैं, इनको एक एक बार आपने रीड करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार रीड कर लिया फिर आपके लिए लाइफ टाइम हो जाते हैं। जब भी आप इस तरह का वर्ड देखते हो आपको खुद याद आ जाएगा कि यहाँ पर इसका यूज होता है। तो हम प्रेपोजिशन में फिलहाल इतना ही कर रहे हैं, हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।